बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शहनाज अमीन बेस्ट किचन। तो जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी बादशाही मस्जिद का विजिट। जी आज मैं आपको बादशाही मस्जिद का विजिट कराऊंगी। ये है बादशाही मस्जिद जिसमें हम जा रहे हैं। अब तो जी अब हम बादशाही मस्जिद में इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे हमने अपने नबी पाक की प्यारी प्यारी चीज़ें देखी। यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़रत बीबी फातिमा ज़ोहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें देखी। उनकी जानमाज़, नौलैन पाक, उनका स्काफ़, ये सब देखा हमने यहाँ। बहुत अच्छा लगा ये देखकर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और बहुत खुशी हुई ये सब देखकर, ये सब चीजें देखकर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर सबसे ज्यादा आपकी हर बात का, झुक गया है सर अदब से सारी कायनात का। आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता, खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। यहाँ पे जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो जोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लेडीज़ का पोर्शन है नमाज़ पढ़ने का और यहाँ पे जेंट्स नमाज़ पढ़ रहे हैं।
स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं विज़िट करने बादशाही मस्जिद का। और यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन भी आए हुए हैं निकाह करने के लिए। वैसे ये भी सही है कि ये यहाँ पे निकाह कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ यादगार है, ये जगह यादगार रहती है कि अगर ये किसी को बताएंगे कि इनका बादशाही मस्जिद में निकाह हुआ था तो ये भी अच्छा लगता है। हम खा रहे हैं चना चाट, और अपने यहाँ कहते हैं छोले की चाट, और यहाँ पे लाहौर में कहते हैं चना चाट इसे। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम जाएंगे हजरत दाता गंज बख्श बाबा के मज़ार में, उनकी दरगाह में। शाम हो गई है और हमें हैदराबाद के लिए भी निकलना है। हम हजरत दाता गंज बख्श बाबा के मज़ार आ चुके हैं और यहाँ पे लाइन लगी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर क्राउड हो रहा है लेडीज़ के पोर्शन में। ऑनेस्टली वैसे तो नहीं जाना चाहिए लेडीज़ को, दरगाह में अलाउ नहीं है लेडीज़ का जाना, बट यहाँ पे जेंट्स को ही अलाउ था उनकी ज़्यारत करने का बाबा जी की, और लेडीज़ बाहर से ही ज़्यारत कर रही थी। तो जी, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं और शाम भी हो गई है, और रास्ते में हमें एक होटल दिखी तो हम वहाँ पे डिनर कर रहे हैं। डिनर कर लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं
और रास्ते में हमें एक होटल दिखी तो हमने वहाँ से कॉफ़ी ऑर्डर कर ली और अब हम कॉफ़ी पी रहे हैं गर्मा गर्म। तो जी इतने लंबे ट्रैवल के बाद हैदराबाद का टूल प्लाज़ा आ चुका है। जब हम लाहौर से निकल रहे थे तो तब हमने डिनर किया था और अब हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं और फजर हो रही है यहाँ पे हैदराबाद में। हम फजर में पहुँचे और भूख भी लग रही है तो हम वापस से डिनर कर रहे हैं, रात का डिनर कर रहे हैं हम फजर में। जी हमारा लाहौर का टूर तो कंप्लीट हो चुका है और हमने बहुत इंजॉय किया और आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा मेरे साथ साथ। और मैंने आपको सारे टूर दिखाए जहाँ जहाँ पे हम घूमे गए, विज़िट किया हमने लाहौर में। तो जी अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वो लाहौर की नहीं होगी। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर हाल में करना चाहिए अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। हम खैरियत से लाहौर पहुँचे और खैरियत से अपने घर वापस भी आ गए, तो सबसे बड़ा शुक्र हमें अल्लाह पाक का करना चाहिए। थैंक यू अल्लाह फॉर एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी रास्ते में हमने मिठाई ले ली थी लाहौर से जब हम निकल रहे थे हैदराबाद के लिए, क्योंकि वहाँ की यादगार होती है मिठाई। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह आपको अपने अमान में रखें और आप भी इसी तरह घूमने जाएं। अल्लाह हाफिज़।